আবার এদের সমন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। তবে এবার আবগারে নীতি দুর্নীতি মামলায় নয়, দিল্লির জল বোর্ডে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলো। রবিবার আম আদমি পার্টি তরফে জানানো হয় ফের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তলব করেছে। শনিবারে তাকে এই সমন পাঠানো হয়েছে, আগামী 18 মার্চ তাকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এদের অভিযোগ দিল্লি জল বোর্ডে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে, এই মামলাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে দ্বিতীয় আর্থিক তছরুপের মামলায় দায়ের হল কেজরিওয়ালের নাম। ইতিমধ্যেই আবগারে নীতি দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে কেজরিওয়ালের। গতকালই আপ নেত্রী তথা দিল্লির মন্ত্রী অতীশী বলেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে এই মামলা দায়ের করেছে তা আমরা জানতামই না। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠিয়েছে, এটি মিথ্যা মামলায় তাকে তলব করা হয়েছে। কি কোর্ট কি প্রক্রিয়া জেসে শুরু হুই উসকে খতম হোনে কা ইন্তজার নেই কিয়া, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं, मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मारपिटाई कर देते हैं, यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है, विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट किया है। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है, तो यह भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के ये दोनों तीनों गुंडे ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे।